हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरिता वर्मा और मैं आज आपके लिए इस वीडियो में राइस का इंसेक्ट पेस्ट ग्रीन लीफ हॉपर लेके आई हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले हम ग्रीन लीफ हॉपर का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसका जो ऑर्डर होता है वो हेमिप्टेरा होता है, सब ऑर्डर होमिप्टेरा होता है, फैमिली कैकेलिडी होती है और जो जीनस होता है वो निम्फोटेटिक्स होता है, स्पीशीज वेशेंश होता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस इंसेक्ट का कि इंसेक्ट कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जहाँ जहाँ पैडी कल्टीवेशन की जाएगी, जहाँ जहाँ धान की खेती की जाएगी, वहाँ वहाँ ये इंसेक्ट पाया जाएगा। अपीयरेंस देख लेते हैं कि ये इंसेक्ट कैसा होता है, कितना बड़ा इसका साइज होता है। तो जो इस कीट का इंसेक्ट जो इसका इंसेक्ट मतलब जो जो ब्राउन सॉरी ग्रीन लीफ हॉपर होता है वो आकार में छोटा होता है, लगभग 5 mm होता है, 5 mm होता है। और इसका कलर ना हरा होता है। इसके पंखों पर 2 स्पॉट पाए जाते हैं, 2 धब्बे पाए जाते हैं। होस्ट प्लांट जिस पौधे पर जो इंसेक्ट होते हैं अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, उसे होस्ट प्लांट कहते हैं। तो इसका जो मेन होस्ट प्लांट है वो पैडी हो जाएगा और कुछ समय के लिए घास वगैरह होते हैं उससे भी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। डैमेजिंग स्टेज क्षतिकारक अवस्था की कौन इंसेक्ट की कौन सी स्टेज है जो क्रॉप को सबसे ज़्यादा डैमेज करती है, सबसे ज़्यादा उस स्टेज में ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती है, ज़्यादा हार्म करती है। तो इसकी जो डैमेजिंग स्टेज है वो निम्फल और एडल्ट दोनों डैमेजिंग स्टेज हैं, निम्फल और एडल्ट दोनों डैमेजिंग स्टेज हैं। और इनका जो डैमेजिंग कैरेक्टर होता है, डैमेजिंग कैरेक्टर क्या होता है कि जो डैमेजिंग जो ये पत्तियाँ होती हैं, ये पत्तियों से सैर सब करती है, पत्तियों से रस चूसती हैं और इनके जो पियर्सिंग और सेकंड टाइप के माउस पार्ट्स होते हैं, इसीलिए पत्तियों का जो होते हैं सेल सब करते हैं। ये हो गई डैमेजिंग स्टेज ऑफ ग्रीन लीफ हॉपर की। और इसके जो माउथ पर पियर्सिंग है सेकंड टाइप के होते हैं। तो जो देख लेते हैं इस इंसेक्ट के जो डैमेजिंग कैरेक्टर है कैसे क्रॉप को डैमेज करता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो पत्तियाँ होती हैं उनकी पत्तियों का रस चूसता है। इसके ये दो तरह से क्रॉप को डैमेज करता है, एक तो पत्तियों से रस चूसकर, जो पत्तियाँ होती हैं उनसे सैर सब करके, और दूसरा जो होता है वो वायरस टाइप की डिसीज ट्रांसफर करके। दो डैमेजिंग कैरेक्टर होते हैं, डायरेक्ट डैमेजिंग कैरेक्टर होता है और एक इनडायरेक्ट डैमेजिंग कैरेक्टर होता है। डायरेक्ट में मुलायम पत्तियों से रस चूसकर ये डैमेज करते हैं, क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। और इनडायरेक्ट जो होता है वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ट्रांसफर करके वो करते हैं, जो एम्प और एडल्ट दोनों हैं फसल को हानि पहुँचाते हैं। बीमारियों में जैसे देख लेते हैं राइस टूमर वायरस है। दो टाइप से ये डैमेज करते हैं क्रॉप को, दो प्रकार से डैमेज करते हैं एडल्ट और नहीं, एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसे पत्तियों का रस चूसकर विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ट्रांसफर करके। ETA लेवल देख सकते हैं 10 से 20 निम्फ या एडल्ट पर हिल, ये इसका ETA लेवल होता है। पर हिल 10 से 20 निम्फ या एडल्ट पाए जाते हैं तो इसका ETA लेवल हो जाता है। ETA लेवल यह बताता है कि हमें इस लेवल पर इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल कर शुरू कर देना चाहिए, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। लाइफ साइकिल जो होती है तो इसकी भी जो लाइफ साइकिल होती है 3 अवस्थाओं में कंप्लीट होती है, 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। देख लेते हैं, एक निम्फ और एडल्ट जो लाइफ साइकिल होती है वो एग, निम्फ और एडल्ट, 3। जो अंडे होते हैं इनके द्वारा
सौ से 300 अंडे दिए जाते हैं, और जो इनका एक एक पीरियड होता है तो 3 से 5 दिन तक होता है। इसमें एग हैच करके, जो अंडा हैच करके निम्फ में चेंज हो जाता है, और 14 से 27 दिन में जो निम्फ होता है वो एडल्ट में चेंज होता है। ये इनकी लाइफ साइकिल हुई। अब बात आती है कि जो ये एग लेइंग करती हैं, अंडे देती हैं, वो कहाँ पे देती हैं, प्लांट के किस पार्ट पे ये अंडे देती हैं, एग लेइंग करती है। जो फीमेल होती है वो पत्तियों की एपिडर्मिस पर, पत्तियों के नीचे जैसे कि एपिडर्मिस पर एग लेइंग करती है, और एपिडर्मिस या फिर लीफ सीथ। लीफ सीथ क्या होता है कि लीफ सीथ वह पौधे मतलब वह भाग होता है जहाँ से पत्ती होती है, तने से जुड़ी होती है। वो ऐसे ही हम बता देते हैं आपको, जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट है, तो ये लीफ सीथ, इसे बोलेंगे लीफ सीथ। तो ये यहाँ पर एग लेइंग करती है, ये यहाँ पर एग लेइंग करती हैं, या फिर पत्तियों की सतह के नीचे एपिडर्मिस पर एग लेइंग करती हैं। और जो एक लीफ सीथ में अंडों की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ एग 53 होती है, 53 होती है, 53 एक सीथ में अंडों की संख्या 53 होती है। मैनेजमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले तो परसिस्टेंट ओराइटी ग्रो करनी चाहिए। अच्छा, आप यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, किसी भी रोग बताया, जैसे कोई डिसीज लगी प्लांट पे, तो कहेंगे असिस्टेंट ओराइटी ग्रो करे कंट्रोल में, या फिर इंसेक्ट लगा है तो मेन पर्पस क्या होता है, मेन उद्देश्य असिस्टेंट ओराइटी ग्रो करने का क्या होता है। इसमें ये होता है कि अगर हम असिस्टेंट ओराइटी ग्रो करते हैं, प्रतिरोधी जो किस्में होती है हम ग्रो करते हैं, तो उसमें इंसेक्ट के लिए सबसे किसी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, रहना, खाना और ब्रीडिंग, ओविपोजिशन और शेल्टर, और तीन एक सीधा नहीं आ रही, सॉरी। तो ये जो तीन चीज़ें होती हैं वो हमारे इंसेक्ट को प्रोवाइड नहीं हो पाती है, कंडीशंस नहीं मिल पाती है, इसलिए वो इंसेक्ट के यहाँ जो होता है वो कंट्रोल में हो जाता है। इसलिए कहते हैं, इसीलिए हम रेसिस्टर वैरायटी ग्रो करते हैं। प्रकाश पुंज का प्रयोग करना चाहिए, प्रकाश लाइट ट्रैप करना चाहिए, प्रकाश पुंज लाइट ट्रैप का यूज करना चाहिए। केमिकल कंट्रोल में, केमिकल कंट्रोल में देख लेते हैं, एसीफेट 50 WP 950 ग्राम पर हेक्टेयर, ये हो जाएगा। कार्बन 50 WP 900 ग्राम पर हेक्टेयर। ये फिप्रोनिल 0.3 g 16 से 25 ग्राम पर हेक्टेयर। तो ये हमारा जो केमिकल कंट्रोल हो जाएगा, ये हमने आपको राइस के मेजर इंसेक्ट पेस्ट आपको बता दिए। एक तो गंधीवत, दूसरा राइस ग्रास हॉपर, तीसरा ब्राउन प्लांट हॉपर, चौथा ग्रीन लीफ हॉपर। ये हमारे राइस के बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत मेन इंसेक्ट पेस्ट है। आप का अगर एग्जाम होगा तो इन्हीं 4 इंसेक्ट में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कोई ना कोई क्वेश्चन किसी में से किसी का शॉर्ट नोट रखा होगा, किसी से एक नंबर के क्वेश्चन रखे होंगे, किसी में लॉन्ग आएंगे। तो आप इन 4 इंसेक्ट पेस्ट को आप मेन रूप से पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। और अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा।